अच्छा हीरा मुझे ये बताएं कि कुछ लोग समझते हैं कि जो एज है 18 से 22 साल जो रिक्वायर्ड होती है, अगर हम 25 साल के हैं तो तभी हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल होता है? जब स्क्रूटी में कागजात मंजूर हो जाते हैं तो उसके बाद मेजरमेंट होती है, फिजिकल मेजरमेंट होगी। रिटन एग्जाम के लिए एक थर्ड पार्टी हमने हायर की हुई है, जो लोग उसमें जालसाजी करते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है, FIR होती है, उनको मौके पे गिरफ्तार। जिसके 50% से ज्यादा नंबर है 100 में से, उसको हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जो फॉर्म के साथ आपने लगानी, अटैच करनी होती हैं, और कौन सी आपको लगता है कि मिस्टेक हो जाती है ज्यादातर जो यूजुअली कैंडिडेट्स कर रहे होते हैं? पंजाब पुलिस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? शौक है और है भी अच्छा दारा। फॉर्म के साथ क्या क्या चीजें लगती हैं? फॉर्म के साथ उनकी जितनी भी तालीमी असनाद होती है, उनके करेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा। लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा आवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमतें बबाए से आपका दामने उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन, इस वक्त हम कुरमान लाइंस में मौजूद हैं जहां पर पुलिस की भर्तियों के हवाले से फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं, और रिमशा इसके अलावा जो बहुत सारी क्यूरीज आती थी हमें कमेंट सेक्शन में, लोग पूछते थे कि सिलसिला बताएं क्या प्रोसीजर है, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें, फ़ी कहाँ सबमिट होनी है, किस तरह फॉर्म जो है वो हमने फिल करना है और उसके बाद कहाँ सबमिट करवाना है, और फिर इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट पे भी बहुत ज़्यादा होता था कि रिटन टेस्ट किस तरह का होगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट कहाँ लगेगी, कहाँ से देखेंगे। तो आज जो आपकी सारी क्यूरीज A to Z हैं वो हम सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और हमारे साथ कैंडिडेट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस अज़म के तहत जो है वो फाइक पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं उस डेस्क की जानिब जहाँ पर सबसे पहले लोग आते हैं और अपने फॉर्म दिखाते हैं और उनके वहाँ पर नंबर लगते हैं, ऐसा ही रिमशा? हाँ, बिल्कुल। तो इनसे पूछते हैं कि जहाँ पर किस तरह से नंबर लगते हैं फॉर्म पर और फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? सुहेब अहमद। अच्छा सुहेब साहब, ये मुझे बताइए कि जब कोई कैंडिडेट यहाँ पर आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं उसके फॉर्म को लेके? सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं जो रिक्वायरमेंट है महकमे की, उसके बाद हम उसका फॉर्म नंबर लगाते हैं, लगाने के बाद इसको आगे भिजवाते हैं, आगे स्लिप मिलती है इनको और फिर कैंडिडेट को वापस भिजवा देते हैं। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, इन्होंने बताया कि जब कोई कैंडिडेट यहाँ पे आता है सबसे पहले उसका यहाँ पर नंबर लिखता है और फिर जो मुतलका डेस्क होता है जिस चीज़ की भर्ती होती है वहाँ पर फिर उस कैंडिडेट को भिजवा दिया जाता है। अब हम चलेंगे मेरे ख्याल उस डेस्क की जानिब जहाँ पर नंबर लगने के बाद जो कैंडिडेट है उसके फॉर्म को चेक किया जाता है, क्या उसके दस्तावेजात पूरे हैं इस फॉर्म के साथ। तो आइए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। जी नाज़रीन, आपके फॉर्म को नंबर तो लगे और नंबर जब लगते हैं उसके बाद जो फॉर्म को नंबर लगता है वो कहाँ आता है? इस डेस्क के ऊपर आते हैं। इस डेस्क में किस तरह फॉर्म सबमिट किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं और क्या क्या जो है आपको रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें, वो सब हम जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि फॉर्म को नंबर लग गया उसके बाद आपके पास आते हैं, फॉर्म सबमिट आप करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो फॉर्म के साथ आपने लगानी, अटैच करनी होती हैं, और कौन सी आपको लगता है कि मिस्टेक हो जाती है ज़्यादातर जो यूजुअली कैंडिडेट्स कर रहे होते हैं? जो लड़के जो कैंडिडेट आते हैं फॉर्म यहाँ पे सबमिट करवाते हैं उनका हम सीरियल नंबर चेक करते हैं, आईडी कार्ड नंबर चेक करते हैं और नेम नंबर देते हैं और पोस्टल एड्रेस वगैरह लिखते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर और अच्छा। ज़िला मेंशन करते हैं मतलब। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद हम वो कुछ कैंडिडेट होते हैं वो मतलब फ़ोटोग्राफ वगैरह या अटेस्टेड वगैरह करवा के नहीं लेके आते, वो मतलब हम चेक करते हैं। तो कौन कौन से दस्तावेजात ज़रूरी हैं कांस्टेबल की भर्ती के लिए? चले हम एक जनरल बात कर लेते हैं कि अगर कांस्टेबल कोई बंदा भर्ती होना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से दस्तावेजात ज़रूरी होते हैं? उसके लिए हम डोमिसाइल चेक करते हैं, उसके अलावा आईडी कार्ड को चेक करते हैं, उसके अलावा मैट्रिक की परसेंटेज चेक करते हैं 50%, उसके अलावा इंटरमीडिएट चेक करते हैं, FSC किस में की हुई है, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, और उसके अलावा DAE कौन से, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या सिविल है, मतलब वो चेक करते हैं। मतलब आपको जो फॉर्म एक जो इश्तहार आप देते हैं एडवर्टीज करते हैं किसी भी भर्ती के लिए उसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी आप चेक करते हैं। तो आपने डोमिसाइल की बात की है, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट होता है जिस डिस्ट्रिक्ट से कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म जमा करवाना ज़रूरी होता है या यहाँ भी वो करवा सकता है लाहौर में? नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है ना उसमें तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में ही जमा करवाते हैं, लेकिन ये टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन का ओवरऑल हेडक्वार्टर ये है तो यहाँ पे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जमा करवाते हैं पूरे पंजाब से। जी जी, पूरे पंजाब से यहाँ सबमिट करवाने आ रहे हैं फॉर्म।
जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं और इमशा इस वक्त सर्कल पे मौजूद हैं, ये और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे सारे कैंडिडेट जो हमारे पीछे भी खड़े हैं, यहाँ पे भी खड़े हैं, दाएं कोशिश यही की जाती है कि जब भी कोई कैंडिडेट यहाँ पर आए, कोरोना वायरस के जो भी SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए और नज़्म व ज़ब्त के साथ वो फॉर्म को सबमिट करवाए। तो अब हम चलते हैं कैंडिडेट से, उनसे बात करते हैं कि जब वो यहाँ पर फॉर्म जमा करवाने आते हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है या फिर बड़ी आसानी से उनका फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो चले हमारे साथ। कहीं मुझे ये बताएं कि आप फॉर्म सबमिट करवाने आए हैं, कोई मसला, कोई परेशानी? नहीं, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। तो वो जो दस्तावेज़ ज़रूरी थे, आपका जो इश्तहार था, उसको आप पढ़ के आए हैं? जी बिल्कुल, वो पढ़ के आए हैं। उसको पढ़ने के बाद ही हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लेके यहाँ पे हम सबमिट करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। पंजाब पुलिस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? शौक है और है भी अच्छा इदारा। लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये इदारा ठीक नहीं है, लेकिन वो तो लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि इदारा अच्छा है या नहीं है, काम करने से ही पता चलता है। अच्छा, तो कि शौक तो आपको है, आपको पता है कि ये जो पुलिस की ड्यूटी है बड़ी टफ ड्यूटी होती है, 24/7 है, आपको कभी कभी घर भी नहीं जाना पड़ता, आपको घर वालों को छोड़ना पड़ता है, तो ये सब कुछ आप कर लेंगे, सब्र कर लेंगे इतना? जी बिल्कुल करेंगे, ये ड्यूटी का भी हिस्सा है और हमारा शौक भी है कि हम अपने मुल्क की खिदमत करें, तो ये सबको चाहिए, करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उसको पूरी तरीके से आपने पढ़ा होता है कि मैंने ये करना है, तो फिर ज़ाहरी बात उसको करना पड़ेगा। एजुकेशन क्या है? मेरी BS कंप्यूटर साइंस है। BS कंप्यूटर साइंस आपकी, और आप किस भर्ती के लिए आए यहाँ पे? कांस्टेबल्स की। ठीक, हो गया। तो कि विश यू बेस्ट ऑफ लक, हम दुआ करते हैं कि आप भर्ती हो जाए पंजाब पुलिस में और इसी जज्बे के साथ पंजाब पुलिस को सर्व करें। बहुत शुक्रिया आपका। जी थी वेयर, जहाँ पे जो मर्द हैं वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे हैं, वहाँ पे लेडीज हमारे साथ गर्ल्स भी हैं, वो भी पंजाब पुलिस को ज्वाइन करने के लिए। खवातीन किसी से कम नहीं है, खवातीन किसी से कम नहीं है, और खवातीन हर इदारे में, हर महकमे में जो है मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है, और इसका सबूत जो है वो आज हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे पुलिस की भर्तियों में लड़के हैं वहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, और वो भी जो है उसी जोश और जज्बे से जो है पुलिस पंजाब पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं। अब मेरे साथ हीरा मौजूद हैं, और हीरा के साथ मैंने बाइक राइड भी की हुई है, शायद आपको याद हो V2 में। उनसे जानते हैं कि कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लड़कियों को फेस करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है उन्हें रिक्वायर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम हीरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ हीरा। अच्छा, मुझे बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लड़कियों को रिक्वायर्ड होती हैं जब आप फॉर्म सबमिट कर रही होती हैं? फॉर्म सबमिट करने के लिए लड़कियों को रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब लड़कियों से आप कौन कौन सी चीज़ें लेती हैं फॉर्म के साथ, क्या क्या चीज़ें लगती हैं? फॉर्म के साथ उनकी जितनी भी तालीमी असनाद होती है, उनके करेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं, इसके अलावा जो है उनका डोमिसाइल लगता है, एज का उनका 18 से 22 होना ज़रूरी है, FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल ज़रूरी है, DE के जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वो होना ज़रूरी है। अच्छा हीरा, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग समझते हैं कि जो एज है 18 से 22 साल जो रिक्वायर्ड होती है, अगर हम 25 साल के हैं तो तब भी हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल होता है? कोई एज रिलैक्सेशन होती है? एज रिलैक्सेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट है। अच्छा। टेली कम्युनिकेशन में 18 से 22 साल तक ही है। अच्छा। जो PHP है वहाँ पे 25 साल तक ले रहे हैं, जिली पुलिस में भी 22 साल तक ही है। अच्छा। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट एजेस हैं। सिर्फ PHP में सिर्फ 25 साल तक खवातीन फॉर्म सबमिट करवा सकती हैं? जी हाँ। अच्छा, और कौन सी पूरे पंजाब से फॉर्म जमा कर रहे हैं? जी जी, टेली कम्युनिकेशन में पूरे पंजाब से कर रहे हैं, बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं जो उनकी मुतलका इज़्ला में ही होती हैं जमा। अच्छा, यहाँ पे पूरे पंजाब से जो लोग जी, जी, टेली कम्युनिकेशन पूरे पंजाब से है, ये कुर्बान। अच्छा। लाइन पूरे पंजाब की पुलिस और इनकी जो भर्ती के बाद जो इनकी पोस्टिंग होगी वो भी पूरे पंजाब में होगी? जी, वो पूरे पंजाब में इनके मुतलका जिलों के हिसाब से होगी इनकी पोस्टिंग। नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि ये जो मुतलका सीट होती है, जैसे कांस्टेबल है या सब इंस्पेक्टर है या ASC है, कोई भी पोस्ट आती है, जो इश्तहार होता है, जो एडवर्टीजमेंट की जाती है डिपार्टमेंट की जानिब से, उस पर तमाम तर जो चीज़ें वो मेंशन की जाती हैं, तो आप उनको फॉलो किया करें, आपको फिर किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना। अच्छा हीरा, सबसे मुझे ये बताओ कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अक्सर कैंडिडेट्स में होता है कि वो मिलते कहाँ से हैं, डाउनलोड कहाँ से होते हैं, वो उन्हें क्लियर करो कि ये वाली जो साइट है यहाँ से डॉक्यूमेंट आप इजीली वो डाउनलोड कर सकते हैं? पंजाब पुलिस की वेबसाइट है, पंजाब पुलिस की वेबसाइट है जहाँ पर आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद आपने इसको प्रिंट करना होता है। अच्छा। प्रिंट करके उसे फिल करना है, वेरीफाइड करवाने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और देन आपने हमें सबमिट करवाने के लिए लेकर आने हैं। और अब मेरे साथ जो है एक फीमेल कैंडिडेट मौजूद है, ये उनसे जानते हैं किस जोश और जज्बे के तहत जो है वो पुलिस को ज्वाइन करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिजा अक्सा अकरम। फाखरा? हाफिजा अक्सा। अक्सा, मुझे बताओ कि किस को क्या जोश और जज्बा है पुलिस को ज्वाइन, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि 24/7 जॉब है, कोई पता नहीं होता, दिन भी आपको ड्यूटी पे निकल जाता है और रात भी ड्यूटी पे निकल जाती है, तो वो उन सब चीज़ों के लिए तैयार हो, पता है आपको? जी, मुझे पता है कि यहाँ पे नाकों में भी खड़े होना पड़ता है, दिन रात ड्यूटी भी देनी पड़ती है, लेकिन मुझे एक्चुअली ना मेरा पैशन है कि मैं पुलिस में जाऊँ, मुझे इनका यूनिफॉर्म बहुत अट्रैक्टिव लगता है।
अच्छा, रात को ड्यूटी कर लो कि मतलब घर में आपको पता है कितना मसला हो जाता है, हम उन्हें बताते हैं कि अब हमारी मीटिंग आ गई है, अब रूट लग गया है, अब नाके पे खड़े होने हैं, और रात सारी खड़े होते हैं, मर्दों के साथ ही खड़ी होती हैं लड़कियां भी, तो उस चीज़ के लिए घर वाले तो तैयार हैं जी। मैं सब कुछ मैंने देखा हुआ है एक्चुअली, वीडियोज़ वगैरह देखती रहती हूँ इन सब की, और जो इनकी ट्रेनिंग होती है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा 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 अच्छा, मेरे ख्याल में रिमशा देखने में और करने में बड़ा फर्क होता है। हाँ। जब ये करेंगी फिर पता चलेगा। हाँ, फिर पता चलेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम SSP टेलीकम्युनिकेशन सादिक अली डॉगर के पास मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो भर्तियों का प्रोसेस है इसको किस तरह से वो देखते हैं, जब कोई फॉर्म बंदा सबमिट करवा देता है या कोई कैंडिडेट फॉर्म सबमिट करवाने के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है, और उनसे पूछते हैं। सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम, कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। ये एक बड़ा फेयर सा प्रोसेस है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया हुआ है जिसको सामने रखते हुए हम भर्ती करते हैं। पंजाब पुलिस के तमाम यूनिट्स में जो भर्ती है उसका तरीक़ेकार एक जैसा ही है। सबसे पहले हम स्क्रूटनी करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स की, जो रिक्वायरमेंट है कि FSC प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, जो भी कंसर्न पोस्ट है उसके मुताबिक, जब स्क्रूटनी में कागजात मंजूर हो जाते हैं तो उसके बाद मेजरमेंट होती है, फिजिकल मेजरमेंट होगी। उसके लिए 33 इंच जो है छाती होनी चाहिए, इसी तरह फैलाव के साथ 1.5 इंच होना चाहिए, 34.5 होनी चाहिए। जो लोग फिजिकल मेजरमेंट में पास हो जाते हैं तो उसके लिए फिर दौड़ का टेस्ट है। अच्छा। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7 मिनट्स में 1 माइल्स करनी होती है, 1 माइल्स का मतलब है 1610 मीटर्स। और इसी तरह जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें 10 मिनट्स में वो 1 माइल का फासला करना होता है। ठीक है। जो लोग उसमें पास हो जाते हैं जिसको हम एंड्योरेंस टेस्ट कहते हैं, 1 माइल इन 6 मिनट और 10 मिनट्स, उनके लिए जो नेक्स्ट लेवल है वो है रिटन एग्ज़ाम का। रिटन एग्ज़ाम के लिए एक थर्ड पार्टी हमने हायर की हुई है, पहले नेशनल टेस्टिंग सर्विस थी, इसी तरह एक थर्ड पार्टी अभी कंडक्ट करा रही है। जब टेस्ट होगा वो टेस्ट थर्ड पार्टी के इन्विजिलेटर्स होंगे। पुलिस का वहाँ पे ये होगा कि जो लोग टेस्ट देने आ रहे हैं हम थम इम्प्रेशन के ज़रिए से उनको वेरीफाई करेंगे कि ये वही आदमी है जिसके अप्लाई किया हुआ। नादरा के साथ पंजाब पुलिस का कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आप लोग आएंगे फिंगरप्रिंट से नादरा वेरीफाई करता है कि ये CNSE होल्डर है या नहीं। जो लोग उसमें जालसाजी करते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है, FIR होती है, उनको मौके पे गिरफ्तार। तो मेरी तमाम कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट होगी कि अपनी जगह पे किसी और को पेपर देने के लिए मत भेजें, पकड़े जाएंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं। अब पेपर के कंटेंट्स क्या होंगे, जो लास्ट पेपर्स हैं उनको कैंडिडेट्स देख लें, उसमें एक प्रपोर्शन है, जैसे इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर्स आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर्स आएंगे, इंग्लिश का एक पोर्शन होता है, उसमें जनरल नॉलेज के बहुत सारे होंगे, जनरल नॉलेज क्योंकि बहुत वसी है, प्रेसिडेंट्स के नाम, उनके जो कैपिटल्स के नाम, जो इश्यूज चल रहे हैं जैसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बारे में, कोरोना एक करंट इशू है, इस पर सवाल आ सकता है, हर वो करंट इशू जो अखबार में हो रहा है, जो पब्लिक डिस्कस कर रही है, जो किसी तरह से एक मानी रखता है, अहमियत रखता है दौरे हाज़र में, उसके बारे में सवाल किया जा सकता है। सादिक साहब, मुझे ये बताइएगा जो करंट अफेयर अभी आपने बात की है वो स्टूडेंट किस तरह तैयार करें, आया कि वो न्यूज़पेपर पढ़ा करें या कोई और सोर्स भी है जहाँ से वो अपना करंट अफेयर? बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स होते हैं जो बुक पब्लिश कर देते हैं और कहते हैं कि स्पेशली बुक आपके लिए ही बनाई गई है, तो कैसा होता है, कोई पब्लिशर है इसका या खुद से वो तैयारी करें सारे कैंडिडेट्स? देखिए, हम भी जब तैयारी करते थे तो पब्लिशर तो हैं जी, जैसे वर्ल्ड नॉलेज के बारे में है, तो ज़रूर उनको इस्तेफादा करें, लेकिन उसके साथ जो न्यूज़पेपर में डेली अखबार में मिनिस्टर्स के नाम तब्दील होते रहते हैं, मिनिस्ट्रीज की तब्दील होती रहती, वो ज़रूर कैंडिडेट्स अपडेटेड रहें। किसी कंट्री में कोई इलेक्शन होता है, जैसे अमेरिका में अभी इलेक्शन हुआ, उसमें कौन से कैंडिडेट्स थे, किसने किस रियासत से कौन सा कामयाब हुआ, ये बातें पूछी जा सकती हैं। तो करंट अफेयर बड़ा फ्लुएंट किस्म का डायनामिक सा कंटेंट है, उसके लिए एक स्ट्रगल, कांस्टेंट स्ट्रगल की जरूरत होती है अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो सर इसके बाद जो अगला प्रोसेस क्या होता है, जब पेपर हो जाता है तो किस तरह से आप उसकी स्क्रूटनी करते हैं, कौन कितने नंबर वाले जो कैंडिडेट है उसको आप सिलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए? हर वो कैंडिडेट जिसके 50% से ज़्यादा नंबर है 100 में से, ठीक है, उसको हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से 50 नंबर लेना ज़रूरी है, ज़रूरी इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। लेकिन लोग समझते हैं कि इंटरव्यू में जो पहुंच गया है फिर इंटरव्यू वाले की एक डिस्क्रिप्शन है वो उसको सेलेक्ट करता है या नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। इंटरव्यूज में साइकोलॉजिस्ट बेस्ट
करते हैं और इंटरव्यू के 20 मार्क्स हैं, जो टोटल मेरिट है वो रिटन और इंटरव्यू मिला के मेरिट बनता है। अच्छा, मतलब सारा जितना प्रोसेस होगा उसके बाद फाइनली आप जब इंटरव्यू में भी, कुछ लोग फेल हो सकते हैं जिनकी मजबूरी रुझानात एक्सट्रीमिस्ट हैं, अच्छा, वो फेल हो सकते हैं। ठीक है, जो हम देखते हैं कि बिल्कुल ही उनको जनरल नॉलेज नहीं है, सब्जेक्ट्स पे अबूर नहीं है, वो फेल हो सकते हैं, लेकिन फेल होने की जो परसेंटेज है बहुत कम होती है। ठीक है, मोस्टली जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं वो फिर सिलेक्शन के प्रोसेस, मतलब वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ये कह रहे हैं आप? जी, इसी तरह वो फेल नहीं होते हैं, लेकिन जब मेरिट बनता है कि अगर 100 सीट्स हैं तो जो टॉप मोस्ट 100 कैंडिडेट्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी पास तो होंगे लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन साथ साथ जो मेरिट लिस्ट है उसके साथ एक वेटिंग लिस्ट भी बनती है। अच्छा, जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और किसी तरह से इससे बेहतर नौकरी उनको मिल जाती है, ठीक है, या वो नहीं ज्वाइन करना चाहते तो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाए। ठीक है सर, ये मेरिट कैसे बनता है? मेरिट का थोड़ा सा मुझे वाजिया बता दें, कोई एक्स्ट्रा नंबर किसी चीज़ के मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा एजुकेशन हासिल किया है, जैसे रिक्वायरमेंट थी इंटरमीडिएट बट ही इज बैचलर, तो उसके जो नंबर होंगे ग्रेजुएशन के वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे? ऐसे कोई नंबर्स नहीं है। अच्छा, जो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन है FSC वो है, और उसके बाद जितनी भी क्वालिफिकेशन की है उनके एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, सिर्फ फैमिली क्लेम के 3 नंबर्स हैं। अगर उनके पेरेंट्स में से कोई पुलिस में पहले सर्व कर रहा है उसको 3 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब दोबारा से मैं क्लियर कर दूं, जो मेरिट है वो रिटन के एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं प्लस इंटरव्यू में जो उसने मार्क्स दिए हैं उन दोनों को मिला के मेरिट बनेगा। तीसरी चीज़ जो उसमें अहमियत रखेगी, अगर फैमिली क्लेम वाला तो उसके 3 नंबर उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया सादिक साहब, थैंक यू सो मच सर, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें गाइड किया। जी नाज़रीन, आपके वो तमाम सवाल जो आप हमें कर रहे थे बार बार कमेंट सेक्शन में कि ये तमाम प्रोसेस हमें बताएं, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे प्रोसेस का पता चल गया होगा। इसी के साथ मुझे और इमशा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।